केजीएफ चैप्टर 2 टकराएगी लाल सिंह चड्ढा से। 2022 की शुरुआत में कौन सी बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों, कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सिनेमाघर खुले हैं और फिल्में रिलीज हो रही हैं और रिलीज डेट अनाउंस हो रही है लगातार आने वाली फिल्मों की। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा की भी नई रिलीज डेट सामने आई है, जो कि 14 अप्रैल को यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज हो रही है। इनके अलावा भी कई मोस्ट अवेटेड फिल्में ऐसी हैं जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्लैश देखने को मिल सकता है। फिलहाल केजीएफ चैप्टर 2 जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है, अगर लाल सिंह चड्ढा से टकराती है तो एक अलग ही चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि सालों पहले आपको याद हो जब 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी, उसके साथ खान की ही फिल्म रिलीज हुई, यानी कि शाहरुख खान की जीरो, और उसको हरा दिया था। एक बार फिर से खान के साथ ही टकरा रही है, इस बार आमिर खान सामने होंगे, तो देखना होगा अगर दोनों का क्लैश होगा तो कौन आगे निकलेगा। आप बताइएगा कौन आगे निकल सकता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं और कौन कौन सी फिल्में टकरा रही है। साल की शुरुआत में एसएस राजामौली की पैन इंडिया फिल्म RRR भी रिलीज होने जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट, रामचरण, जूनियर NTR नजर आएंगे। फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होगी, जिसके अगले हफ्ते 14 जनवरी को प्रभास और पूजा हेगड़े की भी फिल्म रिलीज होने वाली है, और इसमें 7 दिनों का गैप है, इससे दोनों फिल्मों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इसके बाद नंबर आएगा अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्मों का। पृथ्वीराज आने वाली है और अटैक जो कि जॉन की है, जनवरी में टकराएगी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि लक्ष्या राज आनंद के निर्देशन में बनी अटैक उसके 3 दिन बाद रिलीज होगी। सोचिए कितना फर्क पड़ने वाला है दोनों फिल्मों को। फिर आएगा बधाई दो और बिफोर यू डाई का क्लैश 4 फरवरी को एक साथ। राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर की बधाई दो, पुनीत राज शर्मा, काव्या कश्यप की फिल्म बिफोर यू डाई आएगी, दोनों ही टकराएंगी, देखना होगा कौन आगे निकलेगी। उसके बाद नंबर आएगा संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि 6 जनवरी की बजाय 18 फरवरी को रिलीज होने वाली है, यानी कि दोनों ही फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद नंबर आएगा बच्चन पांडे और शमशेरा का, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और रणबीर कपूर की शमशेरा फरवरी में 2 हफ्ते के अंतराल में रिलीज होगी। बच्चन पांडे 4 मार्च को रिलीज होगी, शमशेरा 18 मार्च को रिलीज होगी, दोनों ही फिल्में टकराएगी। फिर आएगा भूल भुलैया 2 और अनेक का नंबर, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू स्टारर हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2, और इसके बाद आपको बता दें अनेक रिलीज होगी। भूल भुलैया 2 रिलीज होगी 25 मार्च को, 31 मार्च को आनी है आयुष्मान खुराना की अनेक, यानी कि इनका भी बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलेगा। फिर आएगा हमारे लाल सिंह चड्ढा और केजीएफ चैप्टर 2 का क्लैश, मतलब कि आने वाले 2022 में शुरुआती महीनों में ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या केजीएफ के मेकर्स को होगा 100 करोड़ का लॉस? क्या संजय दत्त दे पाएंगे यश को मात? बॉलीवुड फिल्में कुछ चीजों के लिए खास जानी जाती हैं, और इनमें से कुछ चीजें हैं बॉलीवुड के गाने और बॉलीवुड का बड़ा बजट। बॉलीवुड फिल्मों से बड़े बजट फिल्मों को दुनिया भर में जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्मों करोड़ों के बजट पर बनाई जाती है और इसलिए इन फिल्मों की कमाई भी करोड़ों में होती है। बॉलीवुड की फिल्मों ने ही 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब का निर्माण किया है। लेकिन कुछ समय पहले एक नई चीज देखी गई है, और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्में भी बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जा रही है। साउथ फिल्म एक्टर प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण और जूनियर NTR समेत कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुंचने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी सितारों की ये अपकमिंग फिल्म मेगा बजट फिल्में हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। बजट के मामले में ये सभी फिल्में बॉलीवुड को भी हिला देने वाली हैं। दक्षिण भारत में आई साउथ फिल्मों को देश भर में पॉपुलैरिटी के नए स्टैंडर्ड सेट पर पहुंचा दिया है। उन्हीं में से एक थी KGF। इस कन्नड़ फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए एक बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के बीच खूब प्यार मिला, और उसी का नतीजा है कि अब इसके सीक्वल KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर देश में कोरोना वायरस की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती तो KGF चैप्टर 2 को पहले ही रिलीज किया जा चुका होता और ये फिल्म 16 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी होती। फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी, मगर अब ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोड़ के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है। अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। आजकल थिएटर में फिल्में कम कमाई कर रही हैं, और इस फिल्म के इतने बड़े बजट पर बनने की वजह से अब फिल्म के मेकर्स को ये डर सता रहा है कि कहीं इस फिल्म के मेकर्स को 100 करोड़ का लॉस ना हो जाए।
आपको बता दें कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट ने साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की हिंदी राइट्स 90 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। 2018 में रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सल एंटरटेनमेंट ने केजीएफ चैप्टर 1 फिल्म के राइट्स को भी खरीदे थे। तब सभी को लगा था कि वे इस फिल्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में तब इन दोनों ने जितना पैसा लगाया था उसका 35 गुना कमाया था। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस फिल्म के सीक्वल से होगा फरहान को उतना फायदा जितना पहली फिल्म से हुआ था। अब इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 ने इतिहास रचा था और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सहित पूरे भारत में कई रिकॉर्ड कायम किए थे। अब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। केजीएफ चैप्टर 1 में एक्टर यश ने श्रीनिधि शेट्टी, अर्चना जॉयस और अन्य कई एक्ट्रेस के साथ काम किया था। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और इसकी वजह से यश को देश और दुनिया भर में पहचान मिली और उनका बड़ा सा फैन बेस तैयार हुआ। लेकिन एक हीरो की महानता तभी साबित होती है दोस्तों, जब उनके सामने उसकी टक्कर का विलेन हो। केजीएफ चैप्टर 1 में रामचंद्र राजू ने केजीएफ गोल्ड माइन के मालिक सूर्यवर्धन के बड़े बेटे गरुड़ा का रोल निभाया था। रामचंद्र राजू का काम बेहतरीन था और वो अपने रोल में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट भी थे। रामचंद्र के बढ़िया अभिनय और खूंखार अंदाज ने न सिर्फ उन्हें सराहना दिलाई बल्कि साउथ सिनेमा में काफी प्रोजेक्ट्स भी दिलवाए। इसमें डायरेक्टर कार्तिक की फिल्म सुल्तान भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि यश और रामचंद्र लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने साथ में काम करने को लेकर बातें भी की थी जो केजीएफ में जाकर मुमकिन हुआ। असल में डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश के साथ स्क्रिप्ट डिस्कशन के समय राम को देखा था और उन्होंने गरुड़ा के रोल के लिए उन्हें ऑडिशन देने को कहा था। इसके बाद रामचंद्र राजू ने एक साल तक फिल्म के वर्कशॉप में हिस्सा लिया और जिम में पसीना बहाया जिससे वो यश को टक्कर देने लायक विलन के रूप में ढल सके। डायरेक्टर प्रशांत को रामचंद्र का ये डेडिकेशन काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने राम को फाइनली फिल्म के लिए साइन कर दिया। अब केजीएफ 2 में भी इसी डेडिकेशन को साबित करने एक और खूंखार विलन आपके रॉकी भाई से टक्कर लेने आ रहा है। लेकिन हीरो तो दोनों पार्ट में एक ही था पर विलन अलग अलग, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी को ना थोड़ा और कठोर बना देते हैं क्योंकि रॉकी से टक्कर ले गया एक मजबूत किरदार अधीरा। लेकिन फिल्म में सिर्फ रॉकी के ही नहीं बल्कि अधीरा के भी कई दुश्मन देखने को मिलेंगे और वो सब वही दुश्मन होंगे जो अधीरा की तरह कोलार गोल्ड माइन पर अपना कब्जा करना चाहते थे। लेकिन गरुड़ा के मरने के बाद रॉकी ने उस कोलार मील पर अपना कब्जा कर लिया। वैसे तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है पर हर दोस्त वफादार भी नहीं होता और कुछ ऐसा ही होने वाला है केजीएफ 2 में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग रॉकी से कोलार मील छीनना चाहते हैं वो सब अधीरा का साथ देंगे। लेकिन ये साथ दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनी निभाने के लिए होगा। मतलब ये है कि अधीरा को बेवकूफ बनाया जाएगा ताकि रॉकी से वो मील छीन ली जाए और अधीरा को उस पर कब्जा ना करने दिया जाए। और इस हीरो और बहुत से विलेन की लड़ाई में आएगा एक रोमांचक सा क्लाइमेक्स जो होगा रविका सेन का किरदार। लेकिन हम कुछ आपको बताएं इससे पहले आपसे सवाल है, क्या खूंखार अधीरा बेवकूफ बन जाएगा? क्या रॉकी से छीन लिया जाएगा उसकी माँ के सपने को? आपको क्या लगता है ये आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी। केजीएफ कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ फिल्म, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 2018 में कनाडा भाषा की फिल्म केजीएफ रिलीज हुई मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी थी। इंडिया के एक बोनाफाइड सुपरस्टार के फिल्म के सामने एक रीजनल फिल्म के डब्ड वर्जन को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जैसे ही दोनों फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन बाहर आए फिल्म ट्रेड में सुगबुगाहट शुरू हो गई। केजीएफ ने पहले दिन हिंदी वर्जन से 2.10 करोड़ और देश भर से 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया था जो कि जीरो के ओपनिंग डे कलेक्शन 20.14 करोड़ से कुछ ही कम था। वीकेंड खत्म होते होते यश स्टारर केजीएफ ने शाहरुख की जीरो को पीछे छोड़ दिया। केजीएफ का वीकेंड कलेक्शन था 59.60 करोड़
जो कि 0 से 53 लाख रुपए ज्यादा था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ का ऑल टाइम कलेक्शन रहा 185 करोड़ रुपए, जबकि शाहरुख की 0 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अब सवाल यह है कि इस फिल्म को इतना क्यों देखा गया? वो इसलिए क्योंकि केजीएफ टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग न सिर्फ कमाल थी, बल्कि देश एक छत्र राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी, मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहले फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी, इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है। किसे दिए जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? आखिर कितनी है रॉकी भाई यश और अधीरा यानी कि संजय दत्त की केजीएफ चैप्टर 2 के लिए सैलरी? कितने में बिके हैं केजीएफ चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। साउथ स्टार यश की सुपरहिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 के मेगा सक्सेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानी केजीएफ चैप्टर 2 भी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाला है। जी हाँ, जब से इस बारे में अनाउंसमेंट हुई है केजीएफ के फैंस तो मानो खुशी से झूम ही उठे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज के लिए साउथ बेस्ड जी चैनल्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 के साउथ सैटेलाइट राइट जी कन्नड़, जी तेलुगु, जी तमिल और जी मलयालम को रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए हैं। केजीएफ चैप्टर 2 जब बनाई जा रही थी उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, साथ ही इसकी सैटेलाइट राइट इतने करोड़ों में बिकेगी। रॉकी भाई यानी कि यश ने इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन रॉकी भाई का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि केजीएफ चैप्टर 1 से ज्यादा लोग रॉकी भाई के कैरेक्टर को आज भी याद करते हैं। इसी से खुश होकर रॉकी यानी कि यश को 15 करोड़ की जगह 30 करोड़ का चेक दिया गया। अब फिल्म के सेकंड सीक्वल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं। यश के बाद उस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का। जी हाँ, संजय दत्त इस अपकमिंग फिल्म में अधीरा का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजय दत्त ने करीब 9 करोड़ रुपए लिए हैं। इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदें हैं दर्शकों को और साथ ही मेकर्स को भी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने केजीएफ के पहले भाग को प्यार दिया था, उससे भी दुगुना प्यार केजीएफ चैप्टर 2 को भी मिले। केजीएफ के पहले भाग को देखने के बाद ऑडियंस के मन में कई तरीके के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर केजीएफ पर राज किसका होगा।
तो दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म KGF 2 में मिल जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार और करना है। फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच इतनी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है कि शायद इसी वजह से KGF के चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट को इतने महंगे तर्ज पर बेचा गया है। आप सभी कितने ज्यादा उत्साहित हैं KGF चैप्टर 2 के लिए हमें नीचे कमेंट कर। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। Since 1951. किसे दिए जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? आखिर कितनी है रॉकी भाई यश और अधीरा यानी कि संजय दत्त की KGF चैप्टर 2 के लिए सैलरी? कितने में बिके हैं KGF चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ स्टार यश की सुपरहिट फिल्म KGF चैप्टर 1 के मेगा सक्सेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानी KGF चैप्टर 2 भी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाला है। जी हाँ, जब से इस बारे में अनाउंसमेंट हुई है KGF के फैंस तो मानो खुशी से झूम ही उठे हैं। KGF चैप्टर 2 के रिलीज के लिए साउथ बेस्ड जी चैनल्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। KGF चैप्टर 2 के साउथ सैटेलाइट राइट जी कन्नड़, जी तेलुगु, जी तमिल और जी मलयालम को रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए हैं। KGF चैप्टर 2 जब बनाई जा रही थी उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, साथ ही इसकी सैटेलाइट राइट्स इतने करोड़ों में बिकेगी। रॉकी भाई यानी कि यश ने इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन रॉकी भाई का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि KGF चैप्टर 1 से ज्यादा लोग रॉकी भाई के कैरेक्टर को आज भी याद करते हैं। इसी से खुश होकर रॉकी यानी कि यश को 15 करोड़ की जगह 30 करोड़ का चेक दिया गया। अब फिल्म के सेकंड सीक्वल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं। यश के बाद उस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का। जी हाँ, संजय दत्त इस अपकमिंग फिल्म में अधीरा का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजय दत्त ने करीब 9 करोड़ रुपए लिए हैं। इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदें हैं दर्शकों को और साथ ही मेकर्स को भी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने KGF के पहले भाग को प्यार दिया था उससे भी दुगुना प्यार KGF चैप्टर 2 को भी मिले। KGF के पहले भाग को देखने के बाद ऑडियंस के मन में कई तरीके के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर KGF पर राज किसका होगा? तो दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म KGF 2 में मिल जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार और करना है। फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच इतनी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है कि शायद इसी वजह से KGF के चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स को इतने महंगे तर्ज पर बेचा गया है। आप सभी कितने ज्यादा उत्साहित हैं KGF चैप्टर 2 के लिए? जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी सिंस 1951। आखिर कौन है योगी राज और सान्या? किसने की कॉस्ट्यूम डिजाइन और कॉस्ट्यूम डिजाइन में कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। KGF 2 जिसके फर्स्ट लुक ने अब तक 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं, लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। बता दें कि फिल्म के फर्स्ट लुक या द ट्रेलर पर स्टार कास्ट के अलावा आजकल फिल्म बनाने में फिल्म के टेक्निकल टीम का भी खर्चा होता है और दोस्तों उसका विश्लेषण किया जाता है और यही पता चलता है कि वक्त बदल रहा है। दोस्तों ये टेक्नीशियंस हर फिल्म में साथ होते हैं जो काफी अच्छे काम के साथ सामने आते हैं और KGF इसका ही एग्जाम्पल है।
अब दोस्तों केजीएफ 2 फिल्म के फर्स्ट लुक से बने रिकॉर्ड के पीछे हाथ होता है उन बिहाइंड द सीन सुपर हीरोज या टेक्नीशियंस का जो फिल्म को एक गहराई देते हैं। इन्हीं में से दो हैं फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर योगी चिराज और दोस्तों सान्या। केजीएफ और केजीएफ 2 में नजर आने वाले बेल बॉटम पैंट्स जो कि दोस्तों 70s और 80s की याद दिलाएंगी, लेकिन इस कॉस्ट्यूम को बनाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि दोस्तों योगी एंड सान्या ने 70s और 80s के दशक के लोगों के कपड़ों पर पूरी रिसर्च की थी कि उस समय में गरीब इंसान कैसे कपड़े पहनते थे और अमीर और गैंगस्टर्स के कपड़े कैसे होते थे। इसको सही और रियल लुक देने के लिए योगी एंड सान्या ने काफी मेहनत की है। मैं बता दूं दोस्तों कि योगी एंड सान्या केजीएफ 2 में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा है कि आप उस समय का अनुभव प्राप्त करें और जिस समय को आप पर्दे पर दिखाने वाले हैं। जब केजीएफ 2 की बात आती है तो दोस्तों योगी एंड सान्या ने काफी बेहतरीन कॉस्ट्यूम तैयार की है। सान्या ने यश के लिए डिजाइन किया है और दोस्तों योगी ने बाकी के लिए कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया है। केजीएफ 2 की कॉस्ट्यूम्स के बारे में बोलते हुए योगी ने कहा, केजीएफ 2 में इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर कॉस्ट्यूम्स किसी दुकान से खरीदी नहीं गई हैं बल्कि सिली गई हैं। फिल्म में 70 के दशक की फील देने के कारण हमें उस समय के सामान का ही उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों घड़ी से लेकर उसे हथियाने में अतीरा। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। केजीएफ चैप्टर 2 का सिंगल सॉन्ग कब होगा रिलीज? कौन सी स्टार सिंगर ने दी अपनी आवाज इस बार केजीएफ चैप्टर 2 में? केजीएफ 2 से रिलेटेड फैंस के कौन से डिमांड का सैलाब उठा ट्विटर पर?
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियो के फ्रेश न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आपको यहां मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी इस वक्त चल रही है। KGF में आखिर किसका राज होने वाला है? अधीरा वापस आएगा तो कैसे रॉकी भाई उसका सामना करेंगे? रमिका सेन ने क्यों आखिर भाई के खिलाफ डेथ वारंट निकाला? ऐसे कितने सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए पिछले 3 सालों से पूरी इंडिया की ऑडियंस इंतजार में बैठी है। आखिरकार इस फिल्म को 2021 में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक में दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज डेट अगले साल 14 अप्रैल तक शिफ्ट कर दी गई। काफी लंबे इंतजार के बाद KGF से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। KGF के पहले पार्ट में अपनी सुरीली आवाज देने वाली सिंगर अनन्या भट्ट का सिंगल सॉन्ग KGF चैप्टर 2 में भी रिकॉर्ड किया गया है, और वो गाना बहुत जल्द अगले महीने ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। जब इस गाने से रिलेटेड अनन्या भट्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो इस सॉन्ग की रिलीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फैंस के लिए उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सभी को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। गाने को रिकॉर्ड करते हुए उन्हें बेहद ही ज्यादा खुशी थी। ये गाना काफी ज्यादा खूबसूरत है और एक अलग ही इम्पैक्ट फैंस के बीच में छोड़ने वाला है। KGF फिल्म को लेकर इस गाने से सभी की एक्साइटमेंट 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। उनके इस इंटरव्यू के बाद से ही KGF चैप्टर 2 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। गाना अभी तक रिलीज भी नहीं किया गया है, लेकिन KGF की हाइप वापस से बढ़ गई है, जिस वजह से फैंस ने ट्विटर पर एक अलग डिमांड करके KGF की मेन कॉज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। फैंस की काफी ज्यादा ही डिमांड आ रही है कि कोरोना की थर्ड वेव अगले साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो कहीं फंकी रिलीज डेट वापस ना हो जाए। इसलिए फैंस चाहते हैं कि इस फिल्म को 2021 में अभी किसी भी महीने के अंदर अंदर रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हालत काफी ज्यादा काबू में है और थिएटर्स को भी अगले महीने से खोला जा रहा है, जिस वजह से फैंस डिमांड की है कि 2021 में ही फिल्म को रिलीज किया जाए। फैंस की इस डिमांड से ट्विटर पर एक अलग ही माहौल बन गया है। हर कोई काफी ज्यादा ट्वीट करके फिल्म की रिलीज डेट को वापस से रिशेड्यूल करके 2021 में रिलीज करने की डिमांड कर रहा है, लेकिन फैंस की डिमांड का रिस्पॉन्ड देते हुए मेकर्स ने बताया कि तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। ए, क्या चाहिए तेरे को? दुनिया, उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। काल का करने विनाश। कहां काल आ गया? May I come in? उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। I am enforcing the army. लेकिन उसका नाम सब जानते हैं। रॉकी। सिंस 1951।
केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई केजीएफ, इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है, आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी, मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहले फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी, इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से जानते हैं कौन सी है ये चार बातें।
नंबर वन। उन्होंने सभी लोगों से बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस तरह के महान दिन पर यहाँ बुलाए जाने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से रिलेटेड काफी एक्सपीरियंस और मेमोरीज भी शेयर की। बात करते करते वे थोड़ा इमोशनल हो गए और इमोशनल होकर कहा, मैंने जीवन भर ज्यादा पैसे नहीं कमाए, मैंने जो कमाया है वो है आप सबका प्यार। मुझे बहुत प्यार मिला है और मैंने लाइफ टाइम के लिए कई फ्रेंड्स भी बनाए हैं। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज देते हुए कहा कि मैं हर युवा से हाथ जोड़ कर यही कहना चाहूँगा कि कृपया मेरे जीवन ना जिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस तरह के जोखिम ना लें। मैं नहीं चाहता कि युवा और आप सभी को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आपको बता दें KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को पूरे इंडिया में। KGF चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई KGF, इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है, आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा KGF चैप्टर 2। KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत्रराज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे उसे हथियाने में हथियार। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात 2 घंटाएं हुई, KGF भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी सेंस 1951। पहला गाना किसने गाया है ये गाना? आखिर KGF 1 से क्या है सिंगर का नाता? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ पंखुरी। कन्नड़ा की ओरिजिनल फिल्म KGF ने कई भाषा और कल्चर से जुड़ी बैरियर्स को तोड़ते हुए दर्शकों को दीवाना बनाया था। फिल्म के मेकर्स ने कन्नड़ा में फिल्म का क्रेज देखते हुए इसके कई अन्य भाषाओं में रिलीज करने का मन बनाया। उसके बाद इसकी आग बस फैलती ही चली गई और अब ये आग आज तक भी जल ही रही है, जो शायद KGF 2 के आने के बाद ही बुझेगी।
रॉकी स्टार यश, जो कि नॉर्थ इंडिया में उतने चर्चित नहीं थे, आज हिंदी में भी वो घर घर में जाने जाते हैं। केजीएफ वन के बाद उनकी फेम और क्रेज ने कई बॉर्डर्स तोड़ डाले और आज वो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब मेकर्स ने केजीएफ 2 का टीजर ड्रॉप किया, जिसने कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ना सिर्फ यश बल्कि निर्देशक, निर्माता प्रशांत नील, गरुड़ा और बाकी कई किरदार भी बहुत प्रचलित हो गए। फिल्म की कहानी, फाइटिंग सीन्स, सभी भाषाओं के गाने, कॉस्ट्यूम्स, हेयर स्टाइल्स और यहाँ तक कि शूटिंग लोकेशंस तक भी सबसे हटकर थी। अगर हम कहें कि केजीएफ 1 एक कल्ट फिल्म थी तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अब मेकर संग यश भी फिल्म को 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में रिलीज करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। दोस्तों, केजीएफ फिल्म के फैंस या लवर्स फिल्म का गाना गर्भधी गर्भधी या फिर हिंदी में यूं कहें तो कोख में रख के को कभी नहीं भूल पाए होंगे, और ना ही वो पहली फिल्म के गाने धीरा धीरा को ही अपने जहन से निकाल पाए होंगे। अनन्या भट्ट की आवाज में गाए गए ये दोनों ही गाने आज भी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल तार जोड़ कर रखते हैं। अब हमारे पास आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अनन्या ने अब केजीएफ 2 के लिए फिर से एक बार एक खास गाना रिकॉर्ड किया है। इस बार उन्होंने कहा भी है कि ये गाना भी पहली इंस्टॉलमेंट के गानों जितना ही खूबसूरत और प्यारा है, और वो इस गाने की रिलीज के लिए काफी उत्सुक है। उनका कहना है, मैं ऑडियो रिलीज के लिए काफी उत्साहित हूँ। ये गाना बहुत ही सुंदर है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स और साउंड्स इस्तेमाल हुए हैं वो भी लाजवाब है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म से जुड़ी अपडेट्स तो आ रही हैं, लेकिन गाना कब रिलीज होगा, तो बता दें उसके लिए भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेकर्स गाने को जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। केजीएफ 2 की स्टोरी लाइन और कौन लिखने वाला है केजीएफ 2 का स्क्रिप्ट, और क्या हमें इस मूवी में इस म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक सुनने को मिल सकता है। हाय, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों की। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज की वीडियो की होस्ट रजनी, और आज हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि केजीएफ 2 पर। दोस्तों, आज हम आपको उस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जिसका इंतजार सिर्फ टॉलीवुड को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को है। तो जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं अपकमिंग मूवी केजीएफ 2 के बारे में। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस मूवी में हमें यश और श्रृंधि शेट्टी का केमिस्ट्री देखने को मिल सकता है। तो बात कुछ ऐसी है कि इस मूवी में हमें यश और श्रृंधि शेट्टी का मोस्ट ग्लैमरस लुक देखने को मिल सकता है, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रृंधि शेट्टी इस मूवी में यश की वाइफ बनी हुई है, और पक्का ही इन लैला मजनू की जोड़ी को देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे जब ये मूवी रिलीज की जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि कौन इस मूवी का स्क्रिप्ट लिख रहा है? तो बात कुछ ऐसी है कि इस मूवी का स्क्रिप्ट खुद प्रशांत नील ही लिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत नील इस मूवी का स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं और इसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रशांत एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, और इस टैलेंट को देखकर शायद ही उन्हें जल्दी बॉलीवुड में किसी स्क्रिप्ट लिखने का या मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिल जाए। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि यश एक डॉन का रोल प्ले करने वाले हैं जो पूरे मुंबई शहर पर राज करता है, और उनसे केजीएफ छीनने आएंगे संजय दत्त उर्फ अधीरा। तो अधीरा और डॉन के बीच वन एंड ऑन फाइट देखने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और ये सीन जरूर ही फैंस को बहुत एक्साइट करेगी। और अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कोई फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इस मूवी में म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि रवि बसरूर है। जी हाँ दोस्तों, रवि बसरूर ने बहुत सारे कन्नड़ा की फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन किया है, और वो सारी फिल्में सुपर हिट साबित हुई है।
तो अगर वो KGF 2 का म्यूजिक डायरेक्शन करते हैं तो जरूर ही उनके सारे सॉन्ग सुपरहिट होंगे और फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो चलिए अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी में रवि बसरूर का म्यूजिक सुनने के लिए। तब तक के लिए टीजर पर फैंस का प्रशांत नील ने क्यों जताया आभार। KGF के रॉकी भाई ही नहीं अदीरा भी क्या एंट्री मारेगा तशन में। अक्षय के बाद क्यों दूसरे नंबर पर हैं यश की KGF 2? जाने सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संगीता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियो की पूरी दुनिया में करती हूँ आपका स्वागत। दोस्तों साउथ सुपरस्टार यश की KGF 2 का इंतजार दर्शकों के बीच बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। ये फिल्म जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई है। फिल्म के निर्माताओं ने कुछ महीनों पहले KGF 2 का टीजर जारी करके फैंस को रिलीज के बारे में जानकारी दी थी लेकिन कोरोना ने फैंस और निर्माताओं दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि महीनों पहले रिलीज हुए टीजर पर कुछ जादू हुआ है। इस पर फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कुछ देर पहले ही ट्विटर पर KGF 2 का टीजर शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा है। KGF 2 के टीजर ने 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रशांत नील ने फैंस को टीजर पर इतना प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद कहा है। प्रशांत नील ने ट्विटर पर लिखा है, आप सभी ने फिल्म के टीजर को जो प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया। वैसे तो सबको पता है कि फिल्म KGF 2 में यश का मुकाबला संजय दत्त के साथ है जो बॉलीवुड के खलनायक माने जाते हैं। संजय दत्त ने KGF 2 के लिए अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है। KGF 2 से सामने आया संजय दत्त का फर्स्ट लुक दर्शकों को बहुत पसंद आया है। सुनने में आ रहा है कि KGF 2 में संजय दत्त की एंट्री एक शानदार गाने पर होगी जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। संजय दत्त के अलावा KGF 2 में रवीना टंडन भी अहम भूमिका निभाती दिखेंगी। रवीना टंडन काफी समय के बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं जिस कारण दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। अगर KGF 2 की रिलीज की बात करें तो यह धीरे धीरे मिस्ट्री बनती जा रही है। शायद अक्षय की सूर्यवंशी के अलावा यश की मूवी KGF 2 तारीख को आगे बढ़ाने में पहले नंबर पर है। रिलीज जल्दी KGF 2 में हमें इस फेमस एक्ट्रेस का एक कैमियो अपीयरेंस देखने को मिल सकता है और क्या KGF 2 में हमें इस बॉलीवुड सिंगर का भी एक सॉन्ग सुनने को मिल सकता है। हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि KGF 2 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री की आने वाली नेक्स्ट बादशाह यानी कि यश और उनकी मच अवेटेड मूवी KGF 2 की। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ दिनों पहले जब दोस्तों यश ने मुंबई में इस मूवी से जुड़े फर्स्ट लुक को फैंस के बीच रिलीज किया तो फैंस ने इस मूवी में उनके लुक को काफी पसंद किया और साथ ही मुंबई में उनके घर के बाहर फैंस की काफी बड़ी भीड़ लग गई थी और दोस्तों ये भीड़ देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी को आना पड़ा उनके घर के बाहर और दोस्तों तब जाकर ये मैटर कहीं शांत हो पाया। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि KGF 2 में हमें इस एक्ट्रेस का एक कैमियो अपीयरेंस देखने को मिल सकता है और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि अनुष्का शेट्टी हो सकती हैं। और दोस्तों जरूर उनके होने से इस मूवी को काफी ज्यादा फायदा ही होगा क्योंकि अनुष्का शेट्टी टॉलीवुड की सबसे फेमस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में एक है। लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी सिंस 1951। क्या KGF स्टारर यश का असली नाम नहीं है यश और क्या करते हैं यश के पिता?
बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दिसंबर 2018 में रिलीज हुई केजीएफ तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में नजर आए थे यश, जिन्होंने अपनी धमाकेदार एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केजीएफ का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द रिलीज होने वाला है। ऐसे में आइए आज जानते हैं अपने फैंस के बीच रॉकी भाई के नाम से फेमस एक्टर यश से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यश का असली नाम नवीन कुमार गोड़ा है और इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में कर्नाटक के हसन जिले में हुआ था। आपको बता दें कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस ड्राइवर है। कहते हैं कि यश बचपन से ही फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, इसलिए वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए और यहाँ रहकर थिएटर की बारीकियाँ सीखते रहे। आपको ये भी बता दें कि केजीएफ रिलीज होने के बाद यश की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। वो प्रति फिल्म 15 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। बेटे के करोड़ों कमाने के बावजूद यश के पिता ने अपना बस चलाने का प्रोफेशन नहीं छोड़ा है। बड़े पर्दे पर तहलका मचाने से पहले यश टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। यश ने नंदा गोकुला नाम के टीवी सीरियल से ग्लैमर की दुनिया में डेब्यू किया था, जिसके बाद आने वाले सालों में उन्होंने कई और कन्नड़ टीवी सीरियल्स में काम किया था। यश को फिल्मों में पहला ब्रेक साल 2007 में आई कन्नड़ फिल्म जम्बदा हुडुगी से मिला था। यश न सिर्फ एक्टिंग बल्कि सिंगिंग में भी अपना कमाल दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि यश की शादी राधिका पंडित से हुई है और इनके दो बच्चे भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश न सिर्फ फिल्मों बल्कि पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है। यश ने साल 2018 में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में भाजपा और जेडीएस के फिलियट चुनाव प्रचार किया। बताते चले कि यश और उनकी वाइफ एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, जो जरूरतमंदों की सहायता करता है। इसका नाम यशो मर्गा फाउंडेशन है। मेकर्स का यही प्लान है कि फिल्म को तब रिलीज किया जाए थिएटर्स में जब भारी संख्या में लोग फिल्म को देखने पहुंचे। ऐसे में अभी के लिए 9 सितंबर केजीएफ 2 की रिलीज डेट तय की गई है। फिल्म के मेकर्स प्रशांत नील की ओर से अभी तक रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुए काफी की होगी चर्चा। क्या यश और श्रीदेवी की केमिस्ट्री को नुकसान भी पहुंचा सकती है? बाहुबली और केजीएफ में क्या सेम होने वाला है? जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहां आपको मिलती है मसालेदार गॉसिप्स और सभी लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, केजीएफ 2 के लिए जो बेचैनी है वो समझ में आती है। इस ग्रैंड फिल्म के लिए ग्रैंड इंतजार जो हो रहा है वो तो बनता ही है। जब से संजय दत्त की अधीरा बनने की खबरें आई हैं, तब से तो उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं कि आखिर यश और संजू बाबा एक दूसरे के सामने भिड़ते हुए कैसे लगेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के लीड पेयर की। एक्शन फिल्म के रोमांटिक एंगल को भी देख लेते हैं। केजीएफ चैप्टर 1 में यश और श्रीनिधि की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, लेकिन हो सकता है उन्हें इस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का नुकसान भी झेलना पड़ जाए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उदाहरण के लिए अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बाहुबली को ही ले लीजिए। बाहुबली में प्रभास और अनुष्का की जोड़ी कितनी प्यारी लगी थी ना, ये बिल्कुल मेक और ईच अदर वाले कपल लग रहे थे। दोनों की तारीफों के पुल बांधते हुए यहाँ तक कहा गया कि ऐसी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कभी देखी ही नहीं गई। तब तक तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन दिक्कतें उसके बाद बढ़ना शुरू हुई जब ये दोनों किसी भी और स्टार के साथ जचना ही बंद हो गए। दर्शकों की आंखों को प्रभास या अनुष्का को किसी और के साथ देखना अटपटा लगने लगा। तो अगर ऐसा ही यश और श्रीनिधि के साथ भी हुआ तो बाहुबली और केजीएफ में एक सेम सा फैक्टर देखने को मिल जाएगा। साथ ही दिक्कतें होंगी दूसरे एक्टर्स के साथ इन दोनों को अपनी केमिस्ट्री जमाने में। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत, हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी हर बारीक से बारीक खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चल नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। We'll be right back.
अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते हो। Since 1951. आने में जब तक गरुड़ा जिंदा है, मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात दो घंटाएं हुई, केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। तेरे बाप घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक थी। आखिर क्यों टल गई एक बार फिर KGF 2 की रिलीज डेट? क्या सब धंधों को हुआ कोरोना वायरस से नुकसान? KGF 2 के बाद कौन सी फिल्म की तैयारी में है प्रशांत नील? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने तो सबके धंधों को चौपट कर दिया है। इस चपेट में सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि एक्टर और एक्ट्रेसेस भी आए हैं। आपको बता दें कि साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट भी कोरोना की भेंट चढ़ चुकी है। ये फिल्म पहले 16 जुलाई को सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाली थी, मगर अब कयास है कि इस तारीख पे मेकर्स इसे रिलीज नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते दोबारा बिगड़े हालात है। ऐसे में मेकर्स नहीं चाहते हैं कि फिल्म को किसी भी तरह का नुकसान झेलना पड़े। फिल्म निर्माता और निर्देशक इसके रिलीज के लिए सही वक्त की तलाश कर रहे हैं। सामने आ रही ताज़ा खबरों की माने तो हो सकता है कि KGF 2 को निर्माता निर्देशक इस साल रिलीज ही ना करें। कहा जा रहा है कि मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म थिएटर उसी वक्त पहुंचे जब कोरोना के मामले खत्म हो चुके हों और थिएटर्स पूरी क्षमता यानी 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले। तो ऐसे में KGF 2 स्टार यश की इस फिल्म के लिए इंतजार में बैठे दर्शकों को अभी फिल्म की रिलीज के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कन्नड़ा सुपरस्टार यश की इस फिल्म को निर्देशक प्रशांत नील ने बनाया है। फिल्म में यश के ऑपोजिट लीड रोल में श्रीनिधि शेट्टी नजर आने वाली है।
इसके अलावा एक्ट्रेस रवीना टंडन और संजय दत्त भी फिल्म में अहम किरदारों में दिखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और करीब करीब बनकर तैयार ही है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को निपटा कर निर्देशक प्रशांत नील अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। KGF 2 के बाद प्रशांत नील प्रभास टारर फिल्म सलार के साथ सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इस फिल्म का दमदार फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से भारी रिस्पांस मिला है। फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट लीड रोल में अदाकारा श्रुति हसन नजर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जिसने रिलीज से पहले ही लोगों के दिलों और दिमाग पे अपना कब्जा जमा लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट का लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म कहलाएगी। हम बात कर रहे हैं प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई KGF 2 की। ये फिल्म एक कन्नड़ लैंग्वेज पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिलीज किया जाएगा 5 भाषाओं में, यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में। यश ने इस फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया था। लोग इस फिल्म के दीवाने हो चुके थे और यश के भी। अब इस फिल्म के रिलीज होने का वक्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी 23 अक्टूबर 2020 को, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते इस फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया। अभी हाल ही में ही 21 जनवरी 2021 को ही इनके फिल्म मेकर्स ने बताया है कि अब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 16 जुलाई 2021 को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शायद इस फिल्म की रिलीज डेट फिर से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन आज हम आपको एक खबर देने वाले हैं इस फिल्म के रिलीज डेट पोस्टपोन होने की बात। जी हाँ दोस्तों, ये ऑडियंस के लिए एक बहुत दुखदायक खबर है, लेकिन इस फिल्म के एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया है कि इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ेगा कुछ टेक्निकल इश्यूज ठीक करने के लिए। और फिल्म मेकर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म को रिलीज की डेट इसलिए पोस्टपोन की जा रही है क्योंकि कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन ठीक नहीं है और सेफ्टी भी बहुत मायने रखती है। और जब तक कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है तब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। और जब तक ये KGF 2 में
हमें त्रिशा कृष्णन भी एक काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ सकती हैं और हमें कैसे केजीएफ 2 में अधीरा यानी कि संजय दत्त की बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि केजीएफ 2 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यश की एक मोस्ट अवेटेड मूवी यानी केजीएफ 2 की और साथ ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मूवी से कौन सी बॉलीवुड मूवी का क्लैश हमें देखने को मिल सकता है। तो वो मूवी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि वॉर 2 हो सकती है और अगर ऐसा हो जाता है तो जरूर ये फैंस के लिए काफी बड़ा और मेमोरेबल मोमेंट बन जाएगा। साथ ही इन दोनों मूवीज में से कौन सी बाजी मार ले जाएगी ये देखने लायक होगा। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें इस बार केजीएफ 2 में त्रिशा कृष्णन भी दिख सकती हैं? जब से दोस्तों ये बात सामने आई है उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर उनके रोल की बात की जाए तो वो हमें एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आ सकती हैं और उन्हीं की वजह से यश यानी की रॉकी भाई को मूवी में सरेंडर करना होगा और वो इतने स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट ऑफिसर होगी जो कि दोस्तों इस मूवी में रॉकी का इनकाउंटर भी करेगी रमिका सेन के ऑर्डर पर। और दोस्तों, मूवी के क्लाइमेक्स सीन में और दोस्तों सीन को देखने पर जरूर फैंस को दुख के साथ साथ काफी गर्व की अनुभूति भी होगी क्योंकि दोस्तों जिस रॉकी भाई को पूरे इंडिया की पुलिस नहीं मार पाई पर उसको अब लेडी आईपीएस के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। पर अभी तक उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। अब अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस मूवी में हमें अधीरा यानी कि संजय दत्त की बैक स्टोरी और अच्छे से बताई जा सकती है तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इस मूवी में हमें संजय दत्त काफी टाइम के बाद वलन की भूमिका में नजर आने वाले हैं और इसी वजह से उनके इस रोल को देखने के लिए उनका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इस कैरेक्टर से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड भी रहते हैं और हमें फाइनल इस मूवी में अधीरा की बैक स्टोरी को जानने का मौका मिलने वाला है। और दोस्तों, साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर कार एक्सीडेंट के बाद वो बचे कैसे और वो यश को कैसे हैंडल करेंगे इस मूवी में। तो चलिए, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं त्रिशा कृष्णन। उस रात 2 घंटे हुई केजीएफ में मिल गया और वो भी पैदा हो गया। नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप लैन। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। ए, क्या चाहिए तेरे को? दुनिया, उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। काल का करने विनाश। महाकाल आ गया। May I come in? उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। I am enforcing the army. सब जानते हैं। रॉकी, सिंस 1951।